हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका प्रयोग सर्किट में किस प्रकार किया जाता है और इसके कलर बैंड से इसकी वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसे रेजिस्टर भी कहते हैं। इसके दो सिरे होते हैं और हिंदी में इसे प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस का प्रयोग विद्युत उपकरणों जैसे कि टीवी, म्यूजिक सिस्टम, एलईडी बल्ब के सर्किट इत्यादि में किया जाता है। रेजिस्टेंस का प्रयोग मुख्यतः एसी व डीसी विद्युत धारा को कम करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जिस भी भाग में हमें जितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, हम उसी के अनुसार रेजिस्टेंस का सिलेक्शन करते हैं। रेजिस्टेंस का प्रयोग सर्किट में हमें कुछ इस प्रकार करना होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हम इसको 12 वोल्ट की बैटरी से करंट देंगे और बैटरी का माइनस वाला सिरा हमने एलईडी लाइट के माइनस वाले सिरे से जोड़ दिया है और बैटरी का प्लस वाला सिरा हमने एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है और रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा हमने एलईडी लाइट के प्लस वाले सिरे से जोड़ दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार हमें रेजिस्टेंस का सर्किट में प्रयोग करना होता है। यहाँ पर लगी इस रेजिस्टेंस के द्वारा करंट कम होने के बाद एलईडी लाइट को जाएगा। दोस्तों, रेजिस्टेंस दो प्रकार की होती है, फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। दोस्तों, फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, जबकि वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग हमें सर्किट में उस जगह करना होता है जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू समय समय पर कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि पंखे का इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम में आवाज़ कम या ज़्यादा करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, रेजिस्टेंस को ओम में मापा जाता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई होती है, जबकि फिक्स वैल्यू की रेजिस्टेंस के ऊपर जो आप ये कलर की पट्टियाँ देख रहे हो, हमें इन कलर की पट्टियों से ही इसकी वैल्यू निकालनी होती है। और अब मैं आपको इसके कलर की पेटियों से इसकी वैल्यू निकालने का तरीका बताऊंगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पर ये एक चार्ट तैयार किया है, आप इस चार्ट को ध्यान से देख ले। इस चार्ट के द्वारा आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लैक कलर का कोड है 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट कलर का कोड है 9। और यहाँ पर ये फर्स्ट कलर हो गया, ये सेकंड कलर, ये थर्ड कलर और फोर्थ कलर पर है मल्टीपल ईयर और फिफ्थ कलर पर टॉलरेंस। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इस चार्ट के द्वारा आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस है ये 4 कलर बैंड रेजिस्टेंस है और मैं इसकी वैल्यू निकालने का तरीका आपको बताऊँगा। दोस्तों, जैसे कि आप ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ अलग अलग कलर की पट्टियाँ देख रहे हो, जैसे कि ये पहली दो पट्टी रेड कलर की हो गई और ये तीसरी पट्टी येलो कलर की है और जो ये थोड़ा अलग हटकर कलर की पट्टी है ये गोल्डन कलर की है। रेजिस्टेंस का कलर कोड निकालने के लिए दोस्तों, हमें इस गोल्डन कलर की पट्टी को दाहिने हाथ की तरफ रखना होता है और फिर इस साइड से हम इसका कलर कोड निकालना शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पहला कलर है रेड और रेड कलर का कोड होता है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर ये दूसरा कलर भी रेड है तो हम यहाँ पर भी 2 लिख लेते हैं। और फिर जो आप ये तीसरा कलर देख रहे हो, ये येलो कलर है और इसका हमें मल्टीप्लायर लेना होगा
और येलो कलर का मल्टीप्लायर है 0 किलो ओम, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 किलो ओम लिख लेते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 220 किलो ओम, और जो नंबर 4 पर ये गोल्डन कलर है, इसकी हमें टॉलरेंस लेनी होगी, और गोल्डन कलर की टॉलरेंस है 5%, तो इसलिए हम यहाँ पर 5% लिख लेते हैं। और इसी प्रकार फ्रेंड्स, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 220 किलो ओम, टॉलरेंस 5%। अब इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको 5 कलर बैंड्स रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का तरीका बताऊंगा। ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये 5 कलर बैंड रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसमें कलर की 5 पट्टियां बनी हुई है। इसमें ये पहला कलर है रेड, और रेड का कोड होता है 2, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और दूसरे नंबर पर भी रेड कलर है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और तीसरे कलर पर है ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर का कोड है 0, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। और नंबर 4 पर ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का हमें लेना होगा मल्टीप्लायर, और ब्लैक कलर का मल्टीप्लायर है ओम, तो इसलिए हम यहाँ पर ओम लिख लेते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये 220 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और जो यहाँ पर ये 5वां कलर है, ये ब्राउन कलर है, और ब्राउन कलर की हमें टॉलरेंस लेनी होगी, और ब्राउन कलर की टॉलरेंस है 1%, तो हम यहाँ पर 1% लिख लेते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 220 ओम, टॉलरेंस 1%। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप किसी भी रेजिस्टेंस कलर बैंड से उसकी वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और दोस्तों, आप 2 रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़कर उचित रेटिंग तथा उचित वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि हम 100 ओम की 2 रेजिस्टेंस को इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 ओम। और यदि हम 100 ओम की 2 रेजिस्टेंस को इस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 ओम। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप 2 रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़कर उचित रेटिंग तथा उचित वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो बनाता रहूँगा।